नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल तुलसी सिंपल गार्डनिंग में। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को करोटन प्लांट के बारे में। करोटन एक इंडोर प्लांट है जिसे रेडी करने के लिए आपको अक्टूबर का महीना चाहिए। कटिंग्स रेडी करने के लिए अक्टूबर का महीना चाहिए और आपका टेम्परेचर है वो 19 से 20 या 25 के बीच होना चाहिए। करोटन प्लांट आपका तभी रेडी होगा। अगर आप गर्मियों में रेडी कर रहे हैं तो उसे सनलाइट बिल्कुल ही ना दें और अधिक मात्रा में पानी देते रहें। करोटन पानी में भी रेडी हो जाता है। तो चलो चलते हैं करोटन पौधे की तरफ और आपको कुछ टिप्स देते हैं करोटन इंडोर प्लांट्स को रेडी करने के लिए। आप कैसे रेडी करें, मैं आपका दोस्त तुलसी सिंपल गार्डनिंग से। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों, ये रहा मेरा करोटन इंडोर प्लांट्स। देख सकते हैं आप कितना हेल्थी एंड कितना ब्यूटीफुल हुआ है। तो आपने देखा मेरा करोटन प्लांट्स, इसे आप लिविंग रूम में या बरामदे में आप कहीं भी रख सकते हैं। यूपी में तो इसको करोटन ही बोला जाता है और कहीं क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, बशर्ते ये करोटन प्लांट है इंडोर प्लांट, इसे धूप की कतई ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। मैंने कुछ कटिंग्स इसकी ली हैं और मैंने कटिंग से रेडी किया है, तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कटिंग से कैसे इसको ग्रो करें। और मैंने वो कटिंग्स इस ब्रांचेस से ली हैं, वो अभी मैं आपको ब्रांचेस दिखाने जा रहा हूँ। वो ब्रांच बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी इसलिए मैंने उसी से कटिंग्स ली हैं। तो ये रही वो ब्रांच जिससे मैंने ढेर सारी कटिंग्स ली हैं। कटिंग की नहीं, मैंने तोड़ दी थी क्योंकि वो इन ब्रांचेस से ओवर हो रही थी जिससे इसके पौधे की सुंदरता जा रही थी। तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो ये रही हमारी वो कटिंग्स जो मैंने एक साथ ही एक ही पॉट में ढेर सारी लगा दी थी। तो ये रहे 1, 2, 3, 4 और ये छोटी वाली 5। तो मैंने कई ढेर सारी कटिंग्स एक साथ लगा दी हैं छोटे से पॉट में। तो अभी ये रेडी हो रहा है, अभी इसकी पत्तियां जो हैं वो झुकी हुई हैं और कुछ ही समय में इसको लगाए हुए अभी हमें समथिंग 3 वीक्स हो चुके हैं। तो अभी इसकी पत्तियां कुछ ही वीक्स में रेडी हो जाएंगी और जो ऊपर की हैं जो नॉर्मल पत्ती हैं वो हो चुकी हैं रेडी और आपकी कटिंग्स बिल्कुल ही रेडी हो गई है। ये 4 वीक्स में आपका पौधा रेडी हो जाता है। करोटन प्लांट है वो 4 वीक्स में आपका रेडी हो जाता है। तो मैंने देखो आप लोगों को दिखाया कि कटिंग से कैसे रेडी करें। मैं आपको दोस्तों से सिंपल गार्डनिंग से, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों, आपने देखा मेरा इंडोर प्लांट्स करोटन इंडोर प्लांट्स, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।